स्टूडेंट क्लास 9 एनसीईआरटी लेसन ट्रायंगल्स दिस इज पार्ट 1 वीडियो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ओके सो यहां पर हम कुछ बेसिक बातें देखते हैं अब देखो हमारा लेसन कौन सा है ट्रायंगल्स है सो व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स क्या होता है इट इज थ्री साइडेड क्लोज फिगर इट इज थ्री साइडेड क्लोज फिगर जो हमारे थ्री साइड्स रहेंगे वो क्लोज फिगर उसी को हम ट्रायंगल्स बोलते हैं ओके इसको क्लासिफाइड किया गया इट इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज बाय साइड्स एंड बाय एंगल्स तो वही हम यहां पर देखते हैं अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड साइड के हिसाब से उसके टाइप्स क्या है देखते हैं अब कौन-कौन से टाइप्स है इसके ट्रायंगल्स के थ्री टाइप्स है कितने थ्री टाइप्स है कौन से इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलस ट्रायंगल्स एंड स्केलेन ट्रायंगल्स ओके तो चलो देखते हैं वन बाय वन इक्विलैटरल ट्रायंगल सो व्हाट इज मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यानी क्या होता है मींस ट्रायंगल्स के ऑल साइड्स क्या होना इक्वल्स होना अब यहां पर देखो सी द फिगर इन ट्रायंगल एबीसी में ओके यहां पर एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी ऑल थ्री साइड्स इक्वल है बिकॉज़ तीनों का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर एबी का 3 है एसी का 3 है और बीसी का 3 है मतलब ऑल साइड्स क्या होना इसके इक्वल्स होना मींस क्या रहेगा वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होगा नाउ सेकंड देखो सेकंड कौन सा है आइसोसेलस ट्रायंगल्स अब आइसोसेलस ट्रायंगल्स यानी क्या होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होना और एक साइड क्या रहेगी उसकी डिफरेंट रहेगी अब देखो यहां पर इन ट्रायंगल पीक्यूआर में यहां पर PQ 3 सेंटीमीटर है एंड PR 3 सेंटीमीटर से मींस क्या होगा PQ इक्वल टू PR ये बोथ आर सेम है दोनों क्या है सेम है बट फोर्थ मतलब सॉरी अनदर साइड यहां पर देखो QR कितना है 4 सेंटीमीटर है मींस जो ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल रहते हो अनदर साइड्स क्या रहती है उसका मेजरमेंट डिफरेंट रहता है इट मींस क्या रहेगा वो आपका आइसोसेलस ट्रायंगल्स होगा नाउ अब देखो स्केलेन ट्रायंगल्स यानी क्या होता है जिसके ऑल साइड्स क्या रहेंगे डिफरेंट मेजरमेंट के रहेंगे सी द फिगर इन ट्रायंगल XYZ में यहां पर देखो XY कितना है 3 सेंटीमीटर है XZ कितना है 4 सेंटीमीटर है YZ कितना है 5 सेंटीमीटर है मतलब ऑल साइड्स क्या है यहां पर डिफरेंट है मींस क्या हुआ आपका ये स्केलेन ट्रायंगल्स हुआ ओके तो ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड के हिसाब से अब देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल के हिसाब से तो इसके भी थ्री टाइप्स है ओके कौन-कौन से यहां पर फर्स्ट देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है कि अगर यहां पर देखो इन ट्रायंगल एबीसी में ओके ऑल एंगल्स का मेजरमेंट कितना है मतलब यहां पर देखो लेस देन 90 डिग्री है सभी का मतलब ऑल एंगल्स कैसे यहां पर एक्यूट है ऑल एंगल्स क्या है एक्यूट है मींस क्या हुआ यहां पर जब ये ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स क्या रहेंगे एक्यूट रहेंगे वो क्या रहेगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स रहेगा ओके अब देखो सेकंड में क्या देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स अब राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी क्या होता है कि अगर आपको ट्रायंगल्स देख रहे तो उसके एक एंगल्स का मेजरमेंट कितना होना 90 डिग्री होना अब यहां पर देखो फिगर में इन फिगर PQR में यहां पर एंगल Q इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है मतलब यहां पर एक एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का है इट मींस क्या हुआ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स हुआ ओके नाउ थर्ड देखो यहां पर क्या है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है कि यहां पर एक ट्रायंगल्स में एक एंगल्स क्या रहेगा आपका मोर देन 90 डिग्री रहेगा मतलब 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा ओके तो यहां पर देखो इन ट्रायंगल XYZ में यहां पर ये एंगल Z कितना है 120 डिग्री है एंगल जेड कितना है यहां पर 120 डिग्री है मतलब ये एक एंगल से यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है ओके सो मींस क्या होगा आपका ये XYZ ये ट्रायंगल्स हुआ आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल्स तो ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल के हिसाब से कौन से एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल्स ओके नाउ अब यहां पर हमने बेसिक देखे नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू